हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और हम जा रहे हैं ऋषिकेश बेबी। रोड ट्रिप फाइनली स्टार्टेड। फाइनली भाई, हमारी पहली रोड ट्रिप लग रही है। फाइनली इतना कुत्ता आदमी है, वैश्यो घर पे झूठ बोल के आया। कह रहा सिद्धार्थ की बहन की शादी में जा रहा हूँ। एक बार कैंसिल करने के बाद, हाँ, और एक बार शादी कैंसिल करवा चुका है, दादा मार दिया उसका। भाई साहब इतना कंजरा आदमी है, चाबी उठा लाया, बाप को नहीं पता इसके गाड़ी लेके जा रहा है। मैं कह रहा हूँ उसके घर में अगर मैं गलती से डाल दूँ ना ये व्लॉग, इसके पापा को लिख भेज देना। गाइस रास्ता देखो, गाइस यार इतना मौसम देखो, गाइस मौसम तो गाइस यार धूप आ रही है सीधी यार। मौसम तो नहीं यार, पहले से बेटर है। पहले तो बहुत तेज धूप आ रही थी, बहुत तेज। बस बारिश की कमी है, बारिश की कमी है। और लेकिन जिंदगी में कुछ कमी आई तो जिंदगी जीने का मजा देती है। अपना पहला स्टॉप ले लिया चटोरों के अड्डे पे, हाफ रास्ता कवर। हाफ क्या लगभग खत्म ही है, ऋषिकेश पहुंचने वाले हम बस और एक घंटे में। तो ये हमने पहला स्टॉप लिया अपने यहाँ पे, कुछ सब चटोरों का अड्डा है, ठीक है। पार्किंग नहीं मिल रही गाइस, पर हमें क्या करें। देखो मेरे को ना छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, छोले भटूरे। अगर इधर छोले भटूरे अच्छे नहीं मिले ना तो मैं सुदीप के मुंह पे फेंक के मारूंगा चप्पल अपनी, ये वाली, ठीक है। और तेरा मुंह पे मेरे भारी चप्पल है। तो गाइस अब आपको ना दिखाते हैं हम क्या खाते हैं। अगर छोले भटूरे मिल जाए तो मजा आ जाएगा गाइस। तो गाइस हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं गाइस, दिल खुश हो गया हमारा। और इसका डोसा आ चुका है गाइस, इस बंदे का, ये जो स्नैप ले रहा है। अब हम छोले भटूरे खाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे गाइस, ठीक है। लेट्स मी ईट माय छोले भटूरे। गाइस आपने कभी किसी टकले को कक्की करते हुए देखा है? नहीं देखा तो मैं दिखाता हूँ। देखो भाई मैं ना चाहता नहीं इसका मजाक उड़ा रहा है जिंदगी में, पर ये मेरे को फोर्स करता है कि मैं इसका मजाक उड़ाऊं। और फिर कहता है गाली क्यों देता है साला, काम भी ऐसे करता है गाली खाने वाले, फिर उसका गाली क्यों देता है। इसको देख लेगा, बाल नहीं है सर पे, कंघी करनी है पर इसे। और इसको इसको ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, वरना ये जो अपने मुंह से बोल देगा वो सच हो जाता है। ये इतनी गद्दी काली जुबान है इस बंदे की, मैं सही बता रहा हूँ। इसके मुँह से कभी बुलवाना नहीं चाहिए कुछ उल्टा अपने लिए, वो भैंस वो पर्स वो सच हो जाता है। सिद्धार्थ बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ था। वो बता नहीं सकते क्या हुआ था। अभी हम आए रेस्टरूम में फ्रेश होने, फ्रेश होने का मूत्र करने, मूत्र विसर्जन करने, और मूत्र विसर्जन कर लिया हमने। हमें वॉशरूम बहुत अच्छा लगा। निकल चुके हैं वापस अपनी मंजिल की ओर। ले लिया हमने अपनी रेड बुल ताकि हमारे में विंग्स आ जाएं और हम फटाफट पहुंच जाएं। तो गाइस अब हम आपको बता रहे थे कि हम जा क्यों रहे हैं ऋषिकेश, हम घूमने तो जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं अपने बेटे से मिलने। हमारा बेटा बेचारा ऋषिकेश शिफ्ट हो गया दिल्ली से, छोटा बेटा, ठीक है। तो उसको उम्मीद नहीं है कि हम आएंगे मिलने उससे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम उसे टल्ला दे जा रहे थे, भाई तू इतनी दूर शिफ्ट हो गया हम नहीं आ रहे। तो आज हम जा रहे हैं उससे मिलने, आज उसका रिएक्शन लेंगे, उसको कैसा लगता है हम, मतलब इतना टाइम हो गया ना मिले और अचानक से हम प्रकट हो जाएंगे उसके घर पे, देखते कैसा लगता है, ठीक है। आपको भी दिखाएंगे रिएक्शन, इसी बहाने हमारी रिएक्शन वीडियो बन जाएगी। पहुंच चुके कुत्ते के बाद गाइस। अब आ गए गाइस, तेरी कतो पे ना मेरे को यही डाउट था, तेरे को भिखारी को गाड़ी कहां से मिली। गाइस जब आ गए गाइस, यस गाइस देख लो व्लॉग पूरा हो गया गाइस। अब हम आना आपको मिलके मिलेंगे भाई। कैसा लग रहा है तेरे को भाई? तेरे को कैसा लग रहा है यार? मतलब सरप्राइज सरप्राइज हुआ नहीं हुआ? झटका लग गया था, पबजी बैठ के खेल रहे थे नीचे, सामने देख रहे हो तुम दोनों खड़े हो भाई, ये तो दिखाई नहीं होगा। वहाँ पे डार्कनेस ज्यादा थी भाई। हाँ भाई मुझे आ गई सुदीप भाई, डार्कनेस में खो दूंगा तेरे को।
इतना टाइम हो गया इतना मिले हुए, इसकी जुबान पे बड़ा डर लगता है। हां भाई इसकी मैंने गाइस आपको बताया था ना पहले भी, सुदीप की जुबान से डरो, इसको डरना चाहिए सबको सुदीप की जुबान से। सिद्धार्थ के साथ तो एक्सपीरियंस हो चुका है, होते होते रह गया गाइस, बाद में मिलते हैं, ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, बाद में मिलेंगे, बाद में टाटा टाटा। सुन इनने पिछली बार भी वैंकी चाहती थी, तेरा दादा मार दिया था ना, दादा मार तेरी बहन की शादी करेंगे। अबे तो पिछली बार शादी कैंसिल करवाई थी ना, दादा मर गया शादी कैंसिल। अच्छा ये कब ऐड हुआ बहनचोद? उसी दिन रात को। और फिर अब ज्यादा शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते तो शादी दोबारा करवा दी। मेरा तो शॉर्ट इट था, मैंने बोला सिद्धार्थ से मिलने जा रहा हूँ, पूजा करवा ली, शादी हो सकती है। अंधविश्वासी भी तो है पूरा खानदान मैन का। भाई सो के उठ चुके हैं, मुँह हाथ धो लिया हमने, मस्त खाना वाना खा लिया है, और मौसम हो रहा है एक नंबर शाम का। मौसम दिखाऊंगा ना आप कहोगे आई लव यू टू, क्योंकि आई लव यू तो मैं कह रहा हूँ आपको। ये देख लो मौसम शाम का। अरे भैया एक फोटो भैया गाइस आए, थोड़े बहुत मेरे भी फैंस है, बिना वीडियो डाले फैंस है, घूमने के लिए थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए चला रहा है अभी। बाकी ये राइडर बहुत बेकार है, पर मैं दे देता हूं चलाने के लिए। और भाई मौसम हो रहा है शाम का एक नंबर, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना। मौसम हम निकले थे बाइक लेके घूमने के लिए कि एक्सप्लोर करके आएंगे, और जैसे ही बाहर निकले मौसम तो बढ़िया था ही, एकदम से बारिश होने लग गई है, एकदम दम दम बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। आपको दिख रही नहीं अभी बारिश, इसमें कैमरा क्वालिटी ऐसी है नहीं ना इतनी बढ़िया, और ना ही बारिश इतनी तेज हो रही है, मीठी मीठी हो रही है। एक बार सामने का व्यू देख लो, फिर जैसा हो रही है हम आपको लेके चलते हैं सेवन स्टार टपरी पे, अपनी सेवन स्टार टपरी। ये है वो सेवन स्टार टपरी जहाँ पे हम चाय पीने आए हैं। एक नंबर चाय है भाई इन भैया की, एक नंबर, इसलिए हम इसको सेवन स्टार टपरी कहते हैं अपने ऋषिकेश की। ठीक है कभी भी आओ चाय पीने आना इधर, ठीक है। मौसम तो एक नंबर हो रहा भाई, चलो चाय पी के मिलते हैं आपसे। तो गाइस वैसे जैसे हमने वहाँ पे चाय पी और हम थोड़ी सी बारिश रुकी हम निकल गए थे, ठीक है, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। और फिर जैसे ही हम निकले बारिश एकदम से इतनी तेज़ आई कि हम पूरे भीग गए। अब हम घर पर आ चुके हैं, हमने चेंज कर लिए कपड़े। अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं यार। अगर आपने एंड तक व्लॉग देखा है ना तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आई लव यू।